नमस्कार दोस्तों, आज बना रहे हैं हम कटहल की सब्जी। हमें जो जो चीज़ों की सामग्री चाहिए की सब्जी के लिए, जो जो सामग्री चाहिए, दो प्याज, एक अदरक, इंच अदरक, पांच चार पांच हरी मिर्ची और 20-25 लहसुन की कलियां। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, हम कर देंगे कटहल को फ्राई करने के लिए हमने तेल डाल दिया है। अब हम कटहल फ्राई करेंगे। 750 ग्राम हमने ये कटहल लिया है, हमने इसे धो के रख दिया था। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तेल हमारा प्रॉपर गर्म है, अब इसमें कटहल को फ्राई करेंगे। दो बैच में हम फ्राई करेंगे कटहल को। अब हमने गैस ऑन कर दी है, अभी फ्राई रखे, तब तक हम मसाला भूनते हैं। कर दिए, अब इस पर एक कढ़ाई रखी है गैस पे, और अब हम इसमें तेल डाल के अपना मसाला रेडी करते हैं। पिंच हमने हींग ली है, आधा चम्मच हमने मेथी ली है। तेल हो चुका है, अब इसके अंदर मेथी और हींग डालते हैं। जो हमने अदरक लहसुन हरी मिर्ची प्याज ली थी उसका हमने पेस्ट बना लिया, अब हम इसके अंदर पेस्ट डालते हैं। 3 टमाटर ले लिए हैं, इन्हें चॉप करके अब चॉप कर लेते हैं। हमने चॉप कर लिए हैं, अदरक लहसुन भुज गया है, और इसमें अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे। कटहल हमारा भून चुका है, अब हमने इसे निकाल लिया है। 1 चम्मच लाल मिर्ची ली है, नमक स्वाद अनुसार, और 2 चम्मच धनिया। हल्दी हमने पहले ही डाल दी थी। मसाले में अब टमाटर भून लेंगे। टमाटर हमारे मसाले में भून चुके हैं, अब हम इसमें कटहल डालेंगे। आप कटहल डाल के हम इसे थोड़ी देर भून लेंगे और मध्यम आंच के ऊपर थोड़ा धीरे से इसे पकने के लिए रख देंगे। फिर इसके अंदर थोड़ा गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डाल देंगे, ये भून चुका है। थोड़ा हरा धनिया डाल दें, इसे हम थोड़ा और पका लेंगे, और थोड़ा गर्म मसाला, 1/4 चम्मच गर्म मसाला डालकर इसे थोड़े पकने। अब हमारा कटहल बनके तैयार हो गया, अब इसे हम हरी धनिया से गार्निश करते हैं। इसे रोटी, नान, पराठे के संग आप इंजॉय करके, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट और अगर आपको मेरी मम्मी की रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, और हमारी वीडियोस को करना है लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताना है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।